नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ रिचा सिंह। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां कानपुर रोड स्थित लोकबंधु श्रीराम नारायण संयुक्त चिकित्सालय में लेजर प्रोक्टोलॉजी विधि सर्जिकल वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर फोर्टिस हॉस्पिटल नई दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सर्जन डॉक्टर A.S. चिलाना द्वारा लेजर प्रोक्टोलॉजी विधि से हेमरॉइड, फिस्टुला और पाइलोनाइडल साइनस जैसी बीमारियों का उपचार, वो भी बिना चीरे, बिना खून रिसाव और बिना दर्द के लगभग 12 मरीजों की सफल सर्जरी की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे बलरामपुर हॉस्पिटल के सर्जन डॉक्टर नीरज द्विवेदी ने बवासीर, फिस्टुला, फिशर, पाइलोनाइडल साइनस के ऑपरेशन में लेजर तकनीक को बेहद ही कारगर कदम बताया। वर्कशॉप की अध्यक्षता लोकबंधु हॉस्पिटल के निदेशक सुरेश चंद्र कौशल ने की। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। आयोजित वर्कशॉप में लोकबंधु हॉस्पिटल के वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि बवासीर, फिस्टुला, फिशर, पाइलोनाइडल साइनस के मरीजों के लिए लेजर तकनीक वरदान साबित हो रही है। इन बीमारी से पीड़ित मरीज का लेजर द्वारा ऑपरेशन पेनलेस के साथ ब्लीडिंग लेस है। ये एक सुरक्षित और प्रभावी प्रक्रिया है। इसमें कम समय लगता है। सर्जरी के बाद त्वचा पर कोई दाग धब्बे नहीं रहते और इसमें संक्रमण का खतरा भी कम रहता है। सर्जरी के बाद रिकवरी तेजी से होती है और सर्जरी के बाद मलत्यागने में कोई दिक्कत नहीं होती। वर्कशॉप में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे बलरामपुर हॉस्पिटल के वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर नीरज द्विवेदी ने भी उपस्थित चिकित्सकों को संबोधित किया। इस अवसर पर फोर्टिस हॉस्पिटल दिल्ली के वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर A.S. चिलाना ने लेजर प्रोक्टोलॉजी विधि से कई मरीजों की लाइव सर्जरी भी की। कार्यक्रम के आयोजन के लिए लोकबंधु चिकित्सालय की पूरी टीम एवं डॉक्टर राजेश कुमार विभागाध्यक्ष सर्जरी विभाग और संयोजक डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव व डॉक्टर शबी मजहर को लोकबंधु चिकित्सालय के निदेशक एवं प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर सुरेश चंद्र कौशल ने बधाई दी और कहा कि इस प्रकार की पहल चिकित्सा क्षेत्र में उन्नति के नए द्वार खोलती है और मरीजों को त्वरित और प्रभावी उपचार प्रदान करने में मदद करती है। मौके पर बलरामपुर चिकित्सालय लखनऊ के पूर्व निदेशक एवं विख्यात सर्जन डॉक्टर राजीव लोचन एवं सर्जन डॉक्टर नीरज द्विवेदी जी ने इस महत्वपूर्ण वर्कशॉप में आए हुए विभिन्न मेडिकल कॉलेज के सर्जन एवं रेजिडेंट्स का उत्साहवर्धन भी किया और अपने सर्जरी के अनुभव भी साझा किए। लेजर प्रोक्टोलॉजी जैसी विधि को ऑफिस सर्जरी के रूप में जाना जाता है, जिनमें मरीज 2 घंटे के भीतर घर लौट सकते हैं। ये न केवल मरीजों के लिए सुविधाजनक है बल्कि अस्पताल के संसाधनों के कुशल उपयोग को भी सुनिश्चित करता है। इस वर्कशॉप को अटेंड करने के विभिन्न मेडिकल कॉलेज के सर्जरी, एनेस्थीसिया, रेजिडेंट चिकित्सालय के विभिन्न विभागों के चिकित्सक सर्जन के साथ साथ गोंडा एवं बाराबंकी के जिला अस्पताल के सर्जन भी मौजूद रहे। सर, आज हॉस्पिटल में लेजर वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, क्या संदेश देना चाहते हैं इसके माध्यम से? देखिए, जो लेजर सर्जरी है वो एक एडवांस सर्जरी है और मेडिकल प्रोफेशन ऐसा है जिसमें रोज़ ना कुछ एडवांसमेंट होते जा रहे हैं। तो इस सर्जरी का उद्देश्य ये था कि जो हम लोग पहले से सर्जरी करते जा रहे हैं और क्या एडवांसमेंट आया है। लेजर सर्जरी से आज जो कोलोरेक्टल सर्जरी के विषय में बात करें, इसमें कैसे हिमराइड, फिस्टुला, इनेनो, पाइलोनाइडल साइनस, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बवासीर, भगंदर, इन बीमारियों का लेजर से, जिसमें कि कम से कम तकलीफ होती है, तकलीफ नहीं के बराबर होती, इसमें हीलिंग में बहुत कम समय लगता है, मरीज को कोई परेशानी नहीं, मरीज ऑपरेशन के बाद घर जा सकता है। तो इसका उद्देश्य था कि नई चीज़ें जानने के लिए ना, जो लोग काम कर रहे हैं वो नई चीज़ों से वाकिफ हैं। तो क्या भविष्य में इस तरह की सुविधा लोकबंधु में भी हो? जरूर करना चाहिए उम्मीद, क्योंकि समय जो है तेजी से चल रहा है। अगर देखिए, पहले लेप्रोस्कोपिक गॉल ब्लैडर वगैरह नहीं हुआ करते थे, लेकिन आपको पता है कि हमारे चिकित्सालय में लेप्रोस्कोपिक गॉल ब्लैडर सर्जरी हो रही है। तो आने वाले भविष्य में ऐसा नहीं संभव है, सब कुछ संभव है। उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में कभी ये भी मौका आएगा कि जब हम अपने लेजर सर्जरी कर रहे होंगे। जब से लेजर विषय ऑपरेशन होने लगे हैं तो चीड़ फाड़
के तरीके बहुत दूर की बात हो गई है और इसी क्रम में राजधानी लखनऊ के लोक बंधु राजनारायण संयुक्त चिकित्सालय में लेजर वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। इस समय हमारे साथ यहाँ के वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव जी हैं। सर, आपसे बात करना चाहेंगे, इस लेजर विधि से आज यहाँ कुछ ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं और वर्कशॉप का भी आयोजन किया गया, क्या संदेश देना चाहते हैं, इस तकनीक को लेकर क्या कहना चाहते हैं? सर, है ये लेजर की विधि जो है वो पहले चीरा टाका से ऑपरेशन होते थे, बवासीर का, बगंदर का, फिचुला का, पाइलोनाइडल साइनस का, तो अब ये लेजर आ गया। लेजर का फायदा ये है कि हम लोग जो है वो जो ऑपरेशन करते हैं उसमें बगैर चीरा बगैर टाका, इसका फायदा ये है कि 2 घंटे में पेशेंट की छुट्टी हो जाती है, ब्लीडिंग होती नहीं है, पेशेंट को दर्द नहीं होता, ऑपरेशन के बाद दर्द नहीं होता, 2 घंटे में अस्पताल से छुट्टी हो जाती है। तो जो पहले जो ट्रेडिशनल चीरे वाली जो सर्जरी होती थी, अब वो लेजर की सर्जरी ने रिप्लेस कर दिया है और इससे सोसाइटी का जो पेशेंट आता है उसका फायदा होता है, ऑपरेशन के बाद उसको दर्द नहीं होता, अस्पताल से जल्दी छुट्टी मिल जाती, वो जल्दी काम पे लौट सकता है। जैसे पहले बताते थे कि टब में जो है पानी गर्म करके सिकाई करनी पड़ती, दो हफ्ते वो भी उसकी को भी कोई आवश्यकता नहीं होती। तो लेजर जो है वो बवासीर है, फिसर है, फिचुला की एक आधुनिक तकनीक है, इसको हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज जो है हमने एक लेजर का वर्कशॉप रखा था जिसमें 12 केस आए हैं, उम्मीद है कि हम लोग पूरा 12 केस करेंगे। इसमें जो है वो जो है हमारे फोर्टिस हॉस्पिटल के बाहर के डॉक्टर भी आए, डॉक्टर एस चलाना, उनकी गाइडेंस में भी ऑपरेशन हो रहा है। देखा जाए तो चीरफाड़ से इस विषय से लोग बच सकते हैं। कितना समय लगता है जैसे बवासीर का ऑपरेशन करने में, फिस्टुला का ऑपरेशन करने में, मतलब टोटल ऑल एवरेज कितना समय लगता है ऑपरेशन में? इसमें ऑपरेशन में मुश्किल से 5 से 10 मिनट का समय लगता है और पेशेंट की 3 घंटे में छुट्टी कर दी जाती है, 3 घंटे में ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं होती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।